भाई जश्न मिलाते अहले बैत में नारे भी तारीफी होते हैं और आप सब नारे लगाते हैं और जो आपका इंतखाब बीच में होता है ना, इस सिलेक्शन का जवाब नहीं, कसम खुदा की, जो शेर आप पढ़ते हैं मुझे भी चंदन, पता नहीं चंदन को याद रहा कि नहीं, हम लोग पंजाबियों की एक महफिल पढ़ रहे थे, हम लोग भी दुनिया भर में घूमते रहते हैं भाई, नारा लगाया था किसी ने, वो आज याद आया मेरे साथ, आप नारा लगाए, नारों का सरदार नारे हैदरी, नारों का सरदार नारे हैदरी, दुश्मन पर है वार नारे हैदरी, दुश्मन पर है वार नारे हैदरी, बातिल पर यलगार नारे हैदरी, बातिल पर है वार नारे हैदरी, ईमा का इजहार नारे हैदरी, ईमा का इजहार नारे हैदरी, दोधारी तलवार नारे हैदरी, दोधारी तलवार नारे हैदरी, अरे मार मलंगा मार नारे हैदरी, मार मलंगा मार नारे हैदरी, नारे हैदरी, इंशाल्लाह बहुत तारीफ़ी महफिल होगी मुझे लग रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके नारों में भी शामिल हो जाऊं, शेर तो मैं पढ़ता ही रहता हूं, बताओ भाई नारा ठीक लगा कि नहीं। ये पाकिस्तान हम लोग एक महफिल पढ़ने गए थे, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले की बात है, वो कुछ इसी किस्म का था, तो मैंने कुछ मिसरे उसमें लगा के ये नारा आपके सामने लगाया, लेकिन अब ये लगना चाहिए महफिलों में, बड़ा प्यारा लगता है, मार मलंगा मार नारे हैदरी। पंजाबियों का भी अंदाज, हमारे अब्बास भाई पूना से आए हैं महफिल सुनने के लिए और एक अदद शायर लेके भी आए हैं, इसलिए आइए सिलसिला जहाँ से इन्होंने सिलसिला शुरू किया था वहीं से मैं सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। अदब से इश्क के रिश्तों ने भीख मांगी है, मुकद्दरों के नविश्तों ने भीख मांगी है, और कसम खुदा की यतीम असीर बन बनकर अली के दर पे फरिश्तों ने भीख मांगी है। आइए हमारा अन्ना हमारे मौजूद है यहाँ, अन्ना हजारे नहीं, अन्ना हमारे यानी फखरी मेरठी साहब किस वक्त मौजूद है बम्बई में, ये बात कह रहा हूँ, अन्ना हजारे को तो आज दुनिया अन्ना हजारे कह रही है, हम 35 साल से इन्हें अन्ना हमारे कहते हैं, कसम खुदा की अन्ना हमारे, पूछ उनका हमारी दोस्ती है और यही कहते हैं अन्ना हमारे, हाँ 35 साल से कुछ, हाँ और बगैर, और आप बताइए बगैर टोपी के, हाँ अन्ना अन्ना कहते हैं, हाँ मैं 35 साल से कसम खुदा अन्ना कहते हैं बड़े भाई को, और फखरी मेरी उम्र में बड़े भाई हैं और हम लोग स्टेज पे एक साथ आए थे, इसलिए ये आइए अन्ना के मैं शेर पेश कर रहा हूँ, बड़े पुराने शेर हैं जनाब फखरी मेरठी को, मैं आपके सिन्हा में पेश कर रहा हूँ, कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, शेर सुनिएगा, कलाम पाक के पारों से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, फरिश्ते ले गए जिस दर से रोटियां आकर, फरिश्ते ले गए जिस दर से रोटियां आकर, फरिश्ते ले गए जिस दर से रोटियां आकर, जमाने उनके मजारों से भीख मांगते हैं, फरिश्ते ले गए जिस दर से रोटियां मांगकर, फरिश्ते ले गए, शेर सुनिएगा आखिरी फर्श तक, जो लोग बाहर है वो भी शामिल है, कसम खुदा की जश्न मिलाते अहले बैत में, जो जमीन पे बैठे हैं उनसे बड़ा जमींदार कोई नहीं, जो दीवार के पास खड़े हुए हैं अहले बैत के इश्क में वसीसा पिलाई हुई दीवार से कम नहीं है, शेर पेश कर रहा हूँ, फरिश्ते ले गए जिस दर से रोटियां आकर, जमाने उनके मजारों से भीख मांगते हैं, उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से, उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से, जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं, उन्हीं को मिलता है, हाँ अभी तो जश्न शुरू हो रहा है, सारा जियो, कैमरे की नजर छूकनी नहीं चाहिए, सरदार भाई मुन्ना भाई बंबई की इस महफिल में 4 साल का रिकॉर्ड है, दीवारों को पसीने आ जाते हैं, लेकिन अली के इश्क का अंदाज जुदा गाना होता है, माथा
पसीने में भी डूबे तू अली के इश्क में ऐसा चमकता है कि कैमरे आईना देख ले। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं, पर इससे ले गए जिस दर से रोटियां आकर जमाने उनके मजारों से भीख मांगते हैं। तो मैं बंबई में हूं इसलिए उधार किसी का नहीं छोड़ूंगा, मंत्री हो या संतरी, शेर पेश कर रहा हूं। इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का, इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का जो फूल छोड़ के खारों से भी। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं, पर इससे ले गए जिस दर से रोटियां आकर जमाने उनके मजारों से भीख मांगते हैं। इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का, इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का जो फूल छोड़ के दाएं बाएं वाले जो फूल छोड़ के खारों से भीख मांगते हैं। अरे कहां बैठे हैं यार। इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का जो फूल छोड़ के खारों से भीख मांगते हैं। अली के अली को छोड़ने वालों का हश्र मत पूछो। शेर पेश कर रहा हूं, तारीख ही होना चाहिए। कैमरा घुमा देना कौन किस तरह से सुन रहा है मेरे भाइयों। अली को छोड़ने वालों का हश्र मत पूछो। अरे गली गली में हजारों से भीख। इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का जो फूल छोड़ के सारों से भीख मांगते हैं। इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का, अभी तो नारे सुनने हैं। इलाज कोई नहीं उनकी बदनसीबी का जो फूल छोड़ के सारों से भीख मांगते हैं। अली के छोड़ने वालों का हश्र मत पूछो। अरे अली को छोड़ने वालों का हश्र मत पूछो। गली गली में हजारों से भीख मांगते हैं। अली को छोड़ने वालों का हश्र मत पूछो। गली गली में हजारों से भीख मांगते हैं। गली गली में हजारों से भीख मांगते हैं। आइए हजरात, अभी तो जश्न शुरू हो रहा है, अभी तो ये थोड़ा सा नारों की रिमझिम शुरू हुई है, अभी तो झमाझम होगी इंशाल्लाह। बॉम्बे का जश्न है और शाबान की बहारों की यह आखिरी रुत है, उसके बाद तो रमजान शरीफ है। लोग पता नहीं कैसे कैसे रोजे यहाँ खोलते हैं। ये बम्बई है कसम खुदा की। यहाँ बताइए लोगों को असल इस्लाम क्या है। नसीम साहब मंत्री जी होते तो बताता कि यहाँ ऐसे भी मुसलमान होते हैं लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखे शराब में धुत, आके मौलाना साहब से कैफे नजारी में एक नौजवान दाढ़ी वाला टोपी ओपी लगाए पूछ रहा था, ये मुर्गा झटके का तो नहीं है? शराब में गुस्ल करने के बाद मुर्गे के झटके का फतवा पूछने वालों, सच्चा इस्लाम चाहिए हो तो हैदरी मस्जिद में आओ, वरना इस्लाम को बदनाम मत करो। जमाना बड़ा नाजुक आ गया। इंशाल्लाह सारे मौजूदात पे सुबह तक बातें होंगी। आइए मैं आपकी खिदमत में बलरामपुर के उस शायर तक चलूँ जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इमाम हुसैन की मदद करते हैं। हिंदू शायर जनाब नानक चंद निशरत बलरामपुरी ने एक शेर कहा था, हुसैन राजो न्याज में हैं, हुसैन राजो न्याज में हैं, उन्हें कुछ इसकी खबर नहीं है कि शिमर उनके गले पे खंजर चला चुरा या चला रहा है। आइए उसी सरजमीन तक चलते हैं और एक ऐसा शायर कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू जबान के कैसेट देखे जाते हैं वहाँ सलीम बलरामपुरी को सुना जाता है। नारे सलवा से इस्तेमाल करें अपने मेहमान शायर जनाब सलीम बलराम। हाजिर करता हूँ समाज समाज
एक बार मिलजुल के बहुत बलंद तलवार से सारा दिन अली की तमन्ना ओ जहरा के जानी अली की तमन्ना ओ जहरा के जानी न दुनिया में होगा कोई तेरा सानी न दुनिया में होगा कोई तेरा सानी किया जंग सी पीन में इस तरह से किया जंग सी पीन में इस तरह से कुछ आँखों ने देखा अली की जवानी दिल रुबा दिल नवाज़
दिल रुबा दिल नवा होती है, जाने ना दुनिया होती है। मधे मौला में डूब जाता हूँ, मधे मौला में डूब जाता हूँ, यूं भी मेरी नमाज होती है, यूं भी मेरी नमाज होती है। अल्लाह चार में से और समाज फरमाए, हाजिर करता हूँ। जो कौम दुश्मन आले रसूल होती है, जो कौम दुश्मन आले रसूल होती है, तमाम उनकी नमाजें कुदूर होती है। जो कौम दुश्मन आले रसूल होती हैं, तमाम उनकी नमाजें कुदूल होती हैं। कभी दुआ मेरी अल्लाह रद नहीं करता, कभी दुआ मेरी अल्लाह रद नहीं कहता, सबब ये है कि वसीला बुदूर होता है, सबब ये है कि वसीला बुदूर होती है। अब ये चार मिसरे हजरात तमाम हमारे मुंबई के अजादार भाइयों के लिए बतौर खास समाज फरमाए, हाजिर करता हूँ। एक सलवात और से सारा दे दें, चार मिसरे समाज फरमाए। ये बादल चांद सूरज सोचते हैं देख कर इनको, आप जानिए इनको। ये बादल चांद सूरज देखते हैं सोचते हैं देख कर इनको, बहत्तर बहत्तर आफ्तादों की ज़ियाबारी को रोकेंगे। हजरत एक ही मिसरे की तवज्जो का ताल्लुक हजरत। ये बादल चांद सूरज सोचते हैं देख कर इनको, बहत्तर आफ्तादों की ज़ियाबारी को रोकेंगे। सलामत मुंबई वाले रहे मौला के साए में, सलामत मुंबई वाले रहे मौला के साए में, अरे कुंवारी माओ के बच्चे आजादी को रोकेंगे, सोचते हैं देख कर इनको, बहत्तर आफ्ताबों की ज़ियाबारी को रोकेंगे। सलामत मुंबई वाले रहे मौला के साए में, हमारी माओ के बच्चे आज़ादारी को रोकेंगे, हमारी माओ के हजरत यहाँ से एक मतला चंद चार एक नई रदीस है नजर भाई देखेंगे शायद
دعاؤں میں طلبگار ہوں. آپ سب کی طرف سے کچھ اشعار حاصل کر رہا ہوں, خاص طور سے بانی جشن اور آپ سب کی. اے غلامان محمد مصطفیٰ جیتے رہو, اے غلامان محمد مصطفیٰ جیتے رہو, اے غلامان محمد مصطفیٰ جیتے رہو, اے ثنا خان علی مرتضیٰ جیتے رہو, اے ثنا خان علی مرتضیٰ جیتے رہو. اور شعر دیکھیں حضرات, نعرہ حیدر لگاؤ اس طرح رسول اللہ بولے مرحبا جیتے شہید ہوئے وہ سماعت فرمائیں. میں والے راہ حق میں کیوں نہ پائے زندگی, فاطمہ دیتی ہو جب ان کو دعا جیتے رہو, فاطمہ دیتی ہو جب ان کو دعا دے جیتے رہو. اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات, ہمارے مولا اقبال کا علم اٹھانے والے نوجوان بھائی بیٹھے. پرچم عباس لہرا کہ یہ دیتا ہے صدا, پرچم عباس یہ لہرا کے دیتا ہے صدا, محبان شہنشاہ وفا جیتے رہو, اے محبان شہنشاہ وفا جیتے رہو. اور جس شہر کے لیے رات سے شہر بنائے سماج فرمائیے تھے شاید کی لائق ہو. چوم کر مشکے سکینہ جب کیا میں نے سلام, چوم کے مشک سکینہ جب کیا میں نے سلام, پرچم عباس سے آئی صدا جیتے,
چوم کر مشک سکینہ، جب کیا میں نے سلام چوم کر مشک سکینہ، جب کیا میں نے سلام پرچم عباس سے آئی صدا جیتے رہو، پرچم عباس سے آئی صدا جیتے رہو. اور یہ بھی شعر دیکھنے لیجیے بھائی. رات بھر ماتم کیا اور صبح کی پڑھ لی نماز، رات بھر ماتم کیا اور صبح کی پڑھ لی نماز، رات بھر ماتم کیا اور صبح کی پڑھ لی نماز، چلتے چلتے کہے گئی وعدے صبا جیتے رہو، چلتے چلتے کہے گئی وعدے صبا جیتے رہو. چار منترے حاضر کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک مسئلہ چند اشعار اور حاضر کروں گا. ایک اور سلوات سے سارا دن ذرا خون گندا ہے دل کی رگ رگ، خون گندا ہے دل کی رگ رگ، جشن حیدر وہ کیا منائیں گے، خون گندا ہے دل کی رگ رگ میں، جشن حیدر وہ کیا منائیں گے، ڈوبا فرعون بیچ دریا میں، ڈوبا فرعون بیچ دریا میں، یہ کنارے پہ ڈوب جائے، یہ کنارے پہ کب تلک جلتا صفیفہ کی سیاست کا چراغ، کب تلک جلتا صفیفہ کی سیاست کا چراغ، کب تلک جلتا صفیفہ کی سیاست کا چراغ، ٹم ٹما کر بجھ گیا آخر خلافت کا، ٹم ٹما کر بجھ گیا آخر خلافت کا چراغ. اور اس نے مطلب سماعت فرمایا حضرت، وہ نہ سمجھے بجھ گیا جن کی بصیرت کا چراغ، وہ نہ سمجھے بجھ گیا جن کی بصیرت کا چراغ، کون ذلت کا دیا ہے کون عزت کا چراغ، کون ذلت کا دیا ہے کون عزت کا چراغ، اٹھ رہا ہے بنا لو، جہاں مل کے بیٹھو سقیفہ بنا لو،
उठ रहा है उनके मुंह से बुग्ध है दर का धुआं, उठ रहा है उनके मुंह से बुग्ध है दर का धुआं, जल रहा है जिनके सीनों में अदावत का चरा, जल रहा है जिनके सीनों में अदावत का चरा, एक बुझा फिर दूसरा फिर तीसरा भी बुझ गया। एक बुझा फिर दूसरा फिर तीसरा भी बुझ गया, एक बुझा गया, जल रहा है आज भी फानूस गैबत का, जल रहा है کہ پڑھ کے قرآنوں کے نیزہ پر سر میدان حسین، پڑھ کے قرآنوں کے نیزہ پر میں پڑھ کے قرآنوں کے نیزہ پر سر میدان حسین، سب کی آنکھوں میں جلایا تونے حیرت کا چراغ، سب کی آنکھوں میں جلایا تونے حیرت کا چراغ۔ اور یہ بھی شعر لکھے حضرات کہ شام کے دربار میں بے خوف روشن کر دیا، شام کے دربار میں بے خوف روشن کر دیا، لہجہ حیدر میں زینب نے خطابت کا چرا، لہجہ حیدر میں زینب نے خطابت کا چرا، تابت روشن رہے گا دامن اسلام میں، تابت روشن رہے گا دامن اسلام میں، سجدہ شبیر کا اور ضرب حیدر کا چراغ، سجدہ شبیر کا اور ضرب حیدر کا چراغ۔ اور یہ وقت سماعت فرمائے اور اس کے بعد آپ کے حکم کی تعمیل۔ ابن زہرا کی جبین سے خون جو ٹپکا سلیم، دیکھیں حضرات شعر سنتے ہیں آپ حضرات۔ ابن زہرا کی جبین سے خون جو ٹپکا سلیم، بن گیا مومن کے ماتھے پر عبادت کا چراغ، بن گیا مومن کے ماتھے پر عبادت کا چراغ۔ آپ کے حکم کی تعمیل ایک مسئلہ اور چند اشارے میں حاضر ہوں، ایک مسئلہ فرمائی تو میں حاضر ہوں۔
طرح میں روشنی کو کہوں کیسے روشنی کی طرح کسی کی تیغ نہیں تیغ حیدری نبی سے نبی سے عشق انہی کا ہے دشمنی کی طرح نبی سے عشق انہی کا ہے دشمنی کی طرح غم حسین مناتے جو خوشی نبی سماپ فرمایا تھا نبی کی بیٹی نبی کی بیٹی طہارت میں ہے نبی کی طرح نبی کی بیٹی طہارت میں ہے نبی کی طرح علی کی بیٹی خطابت میں ہے علی طرح نبی کے کاندھے پہ چڑھ کر علی نے توڑ دیے نبی کے کاندھے پہ چڑھ کر علی نے توڑ دیے وہ بت جو چپ کے کعبے مائک صحیح کر دی بہت آواز کھینچ رہا ہے اس طرح کی نہ بتا نہیں سکتی گوہر چن کے جوہری طرح نبی سے عشق انہیں کا ہے حضرات مائک بھی آواز کھینچ رہا ہے اور میں آپ کا وہ پسندیدہ شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد کوئی Thank you.
گزار کئی صدی سے پڑے ہیں زندگی مولا علی
मौला अली की तो बात न पूछो जी, मौला अली की है जान निराली। वाके लगे पग आके बड़ाई के, जाके लगे हाथ रोजे की जाली। वाके लगे पग आके बड़ाई के, जाके लगे हाथ रोजे की जाली। तो अंबर हूँ अंबर हूँ या के जोनो अबू ज़र, अमर हूँ या के सलमान अली। अंबर हूँ या के जोनो अबू ज़र, अमर हूँ या के सलमान अली। कंबर हो या के जोनो अबू ज़र, अमर हो या के सलमान अली। खुपे अली जाति धर्म ना देखे, ना देखे कि नस्ल है गोरी या काली। ना देखे कि नस्ल है गोरी या काली। ऐसा नो यो था, ऐसा नो यो था, ऐसा नो यो था रहे रण क्षेत्र में, जिल से ना जाती थी सेब संभाली। ऐसा जो योद्धा रहे रण क्षेत्र में, जिनसे ना जाती थी सेब संभाली। खैबर का द्वार तूड़े वह कैसे कि छूटी नहीं जिनसे दारू की जाली।